भाई वो आपसे मुखलिस नहीं है। कोई है उसकी दुनिया में उसे बेहद चाहने वाला, उस पे लाखों रुपए लुटाने के लिए तैयार है, और वो आप नहीं है। नहीं, मेरा दिल नहीं मानता, मुझे धोखा नहीं दे सकती। उसके ख्वाब ऊंचे हैं, लेकिन वो ख्वाब मेरे साथ है। मेरा दिल कहता है तबियत ठीक नहीं है, आप प्लीज ले ना। आप सैलेड लीजिए। थैंक यू। आप ही आप जाएं, आप अर्सल को देखें, मैं यहाँ पे सब कुछ मैनेज कर लूंगी। भाभी, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। तब इतने शॉर्ट नोटिस पे आपने इतनी सारी डिशेस बना दी, एंड ऑल ऑफ देम आर रियली टेस्टी। जितना भी अभी तक मैंने खाया है वो किसी भी रेस्टोरेंट से, टॉप लेवल रेस्टोरेंट से, बहुत ही अच्छा। और उससे ज़्यादा कमाल बात यह है कि बच्चों के होते हुए आपने ये सब कुछ मैनेज किया। नायला का आपने बहुत जायका, इसलिए मैंने घर पर डिनर का प्रपोजल किया। हाँ बिल्कुल, आई थिंक ये बहुत अच्छा डिसीजन था, वाकई बहुत अच्छा खाना बनाया। अरे ऐसी कोई बात नहीं है जी, बस हारून हैं जो छोटी छोटी बातों पे अप्रिशिएट करते रहते हैं, उससे थोड़ी हिम्मत बढ़ जाती है, बस और कुछ भी नहीं। आपने ये सब कुछ इतने शॉर्ट नोटिस पे किया, इसका क्रेडिट आपको जाता है। थैंक यू। मेरा तो नाइल हापी से गिला ही है, अपनी कैपेसिटी से बढ़ के काम कर रही होती हैं ये अपने शौहर के लिए, और पता है उस सब में अपने आप को बिल्कुल भूल जाती हैं। मैं वैसे अभी रेडी होने ही जा रही थी, बस मैं तैयार होने जा रही थी और किचन से घुसी तो मुझे लगा पीछे से देख के जैसे कोई मेड खड़ी हुई है। मैं तो एकदम से परेशानी हो गई जब मैंने देखा कि वो तो नायला आप ही हैं। मेरा तो आप ही से हमेशा से एक ही इख्तलाफ रहा है कि औरत की ताकत शोहर की अप्रिसिएशन नहीं बल्कि सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ ग्रूमिंग है। नहीं नहीं, मेरा ये ख्याल है कि ये इनकी क्वालिटी है। इनके लिए इनके हस्बैंड की हर बात जो है वो हर्फ आखिर है। हारून, यू आर लकी। थैंक यू।